रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कोफ्ते, अंडा कोफ्ता बनाऊंगी मैं। उसके लिए मैंने ये तली हुई प्याज ले ली है, फ्रेश प्याज नहीं ली है, तली हुई प्याज रही है। इसको मैं इसमें डाल के तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, साथ प्याज डालूंगी, मिक्स कर लूंगी कि साबुत साबुत ना। इसके साथ ग्रेवी अच्छी बनेगी अगर पीस के डालूंगी मैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1.5 स्पून मैंने, 1.5 मैंने ले ली है मिर्चों की, और 1 टेबल स्पून मैंने ले ली है नमक की, थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये लहसुन 2 टेबल स्पून लहसुन है। सबसे पहले अब मैं इसको इसमें कर लेती हूँ, मिक्सचर में इसको पीस लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या। सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल आधा कप, नहीं थोड़ा सा कम ही डालूँगी उससे। अब मैं डालने लगी हूँ ये प्याज, मैंने इसमें ये कर लिया है, ये मैंने फ्रेश प्याज नहीं लिया, तला हुआ प्याज, मैंने फ्राई हुआ हुआ प्याज ला के रखा हुआ है। कभी जल्दी हो तो फिर मैं ये ही डाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा कर लूँगा, इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ मैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ना लाइक हैं इतने, ना वो हैं सब्सक्राइब हैं। इसी तरह मैं टमाटर इसमें मैं डाल के पीस लूँगी, क्योंकि टमाटर का भी मुझे पेस्ट ही चाहिए, क्योंकि कोई इधर से होता है छिलका निकला हुआ टमाटर का, फिर बच्चे निकालते रहते हैं, तो इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी इसके साथ। थोड़ा सही भून गया है, अब मैं डालने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। आज मैंने ये पिसा हुआ रखा है इधर, फ्रेश नहीं डाल रही। 2 टेबल स्पून मैं डालने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इधर टमाटर पीसने लगी हूँ। टमाटर का पेस्ट मैंने कर लिया, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। लहसुन थोड़ा सा भून गया अच्छी तरह, फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर, फिर मिर्चें वगैरह डालूंगी। कोफ्तों में भी थोड़ा मैंने डाला था कोफ्ता मसाला, लेकिन इसमें मैं घर की मिर्चें डालूंगी, मसाला जो भी तैयार करूंगी उसका ग्रेवी। अब मैं डालने लगी हूँ टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको पकाएंगे 5 मिनट तक, थोड़ा पानी सूख जाए टमाटर का, फिर मिर्चें डालेंगे इसमें। मसाला देखें, टमाटर का पानी सूख रहा है माशाल्लाह। थोड़ी देर और इसको करूँगी, पानी सुखाऊंगी इसका, फिर इसके बाद इसमें हम मिर्चें ऐड करेंगे। मसाला हमारा भून गया माशाल्लाह। हमने डाल दी मिर्चें 1.5 टेबल स्पून मिर्चों का डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून नमक, अगर कम हुआ तो दोबारा डाल लेंगे, तेज ना हो जाए। देखें ग्रेवी, देखें इसको, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, 10 मिनट तक इसको भूनेंगे, फिर पानी डालेंगे, पानी डाल के जब पानी को उबाल आएगा फिर कोफ्ते डालेंगे। मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1 टीस्पून कसूरी मेथी,
मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया, बस अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी डालने लगी, तीन कप मैंने पानी के डाले हैं इसमें। पानी थोड़ा इसलिए ज़्यादा डाला क्योंकि कोफ्ते भी इसमें गलेंगे तो पानी सूख जाएगा थोड़ा ही। ये वाला मैंने डाला है आधा डब्बा, पूरा डब्बा नहीं डाला कोफ्ता मसाला शान का। बाकी मैंने आपको बता दिया इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें मिक्स की हैं। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, बाकी और कोई फालतू मिर्चें वर्चें मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस यही मसाला डाला है क्योंकि उन्होंने बोला है जिस किसी को मैंने कैटरिंग करी उन्होंने कहा मिर्चें कम हो। कोफ्ते मैंने बना ली हैं, इसी तरह सारे कोफ्ते बनाने हैं, एक एक करके ऐसे उसमें डालती जाऊंगी। हम लोग फ्राई नहीं करते उनको ना, इसी तरह मैं बाकी कीमे के भी कोफ्ते बना लूंगी। कोफ्ते मैंने सारे डाल दिए हैं, ये देखें 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाना है इसमें, क्योंकि थोड़ा कीमा भी बीच में से गल जाए। बेशक चिकन का है लेकिन असर निकलेगा इसका, तो भी सालन मज़े का बनेगा। और एक चीज़ मुझे याद नहीं रही डालने के लिए, इसमें दही दही भी डालते हैं, 3 से 4 चम्मच मैंने दही डालना था लेकिन याद नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि दही डालना है, मैंने तो टमाटर वगैरह और मतलब काफ़ी सारा ऐसा कुछ डाला है कि बड़ा अच्छा सालन। ये देखें अब इसको पानी को सुखाऊँगी और गाढ़ा हो जाएगा ये, तो अभी मैंने 10 से 15 मिनट इसको पकाना है। ऊपर ढकने लगी है इसको, मैं ढक दूंगी अब। अंडे रखने लगी हूँ उबालने के लिए, बिस्मिल्लाह। अंडे ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि सारे बच्चे खुश होकर खाते हैं अंडे वाले। कोफ्तों का सालन चेक करती हूँ, कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं, अंडे भी मैंने डाल दिए हैं छील के बीच में। कोफ्ते अंडे हमारे तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।